नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपके आगामी UPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने विज़न, दृष्टि, ध्येय और संस्कृति IAS संस्थान के पेपरों को सॉल्व किया। आज मैं आपके लिए जो पेपर लेके आया हूँ वो है आपका संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 16। जरा देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 16 क्या है। मॉडल टेस्ट संख्या 16, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में अत्यधिक पूंजी का संग्रह करना, भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित होना, भारतीय प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया इत्यादि में परिवर्तन करना, उपरोक्त में से कितने वाणिज्यिक पूंजीवाद के लक्ष्य थे। भारत में अत्यधिक पूंजी का संग्रह करना, तो भारत में अत्यधिक पूंजी का संग्रह अगर हम बात यहाँ पर करें कि क्या क्या तरीका था अंग्रेज़ों का भारत में विजय करने के दौरान, तो अंग्रेज़ों के विकास क्रम यानी अंग्रेज़ों की इस यात्रा का क्रम हम तीन पार्ट में समझ सकते हैं। सबसे पहला जो चरण था वो था आपका वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल पूंजीवाद। कौन सा पूंजीवाद मित्रों? वाणिज्यिक पूंजीवाद, ठीक है। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद। कौन सा? औद्योगिक पूंजीवाद, जिसमें वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए यहाँ पर। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, जिसमें बैंकों का निर्माण किया गया, वित्तीय पूंजीवाद। तो ये तीन चरणों में अंग्रेजों का पूरा शासन हम बांट सकते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो किसकी की गई है? वाणिज्यिक पूंजीवाद की चर्चा की गई है। कितने चरण? तो अत्यधिक पूंजी का संग्रह यदि हम बात करें वाणिज्यिक पूंजीवाद में, तो सबसे बड़ा लक्ष्य तो उनका यही था कि अत्यधिक पूंजी इकट्ठी की जाए, ठीक है। दूसरा, भारत में कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो, ये भी इनके वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में शामिल थे, ठीक है। भारतीय प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया, यातायात, संचार, औद्योगिक क्रांति के ये पहलू हैं। ये कौन से के चरण के पहलू थे? ये द्वितीय चरण के पहलू थे, जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पूंजीवाद के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कितने चरण हैं? यहाँ पर वाणिज्यिक पूंजीवाद के दो स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्या कह रहा है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश हितों के अनुरूप मध्य वर्ग को निर्मित किया। इसने सामंती एवं संरक्षित वार्डों के रूप में देसी राजाओं एवं नवाबों का नियंत्रण में बनाए रखा। तीसरा, ठीक है। तीसरा, इससे कृषक मजदूर वर्ग उद्भव हुआ। चौथा, व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा आदिवासी समाज में अंतर्विरोध का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किससे संबंधित बात सही थी, उसे यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर मित्रों पहले आप समझिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत के सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में बात की गई है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के आर्थिक के साथ सामाजिक व्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ब्रिटिश हितों के अनुरूप मध्य वर्ग को निर्मित किया। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि हमें बाबू और क्लर्कों की ज़रूरत है, तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही तैयार किया गया था कि हम पहले मिडिल क्लास को ही तैयार कर लें। तो ये यहाँ पर स्टेप बिल्कुल सही है। दूसरी, सामंती एवं संरक्षित बार्डों के रूप में देसी राजाओं एवं नवाबों को नियंत्रण में बनाए रखा, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरी, इससे कृषक मजदूर वर्ग का उद्भव हुआ, ये भी बिल्कुल बात सही है। और व्यक्तिगत संपत्ति अवधारणा आदिवासी समाज के अंतर विरोध का उद्भव हुआ। यहाँ पर एक बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जो भूमि थी वो राजा की संपत्ति के तौर पर आंकी जाती थी, लेकिन अंग्रेज आए, जमींदारी एक स्थान एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को बेचने लगे, तो इससे ये कहा जाने लगा कि जो आपकी जमींदारी है यानी जो भूमि है वो आप क्या हो सकती है, बेची जा सकती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है, या जो से आप आदिवासी क्षेत्रों में बात करते हैं कि वहाँ पर संपत्ति सामाजिक संपत्ति होती है, तो ये यहाँ पर भी बात बिल्कुल सही हो रही है। तो स्टेप सभी चारों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देश में बने पीतल एवं तांबे के बर्तनों के स्थान पर यूरोप से आयातित एल्युमिनियम के सामान का प्रयोग, कृषि का वाणिज्यीकरण, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का पतन, उपरोक्त में से कितने औद्योगिक पूंजीवादी चरण के परिणाम थे, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और कोई भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था वाणिज्यिक पूंजीवाद का क्वेश्चन हो चुका था, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो औद्योगिक पूंजीवाद का हुआ है। तो औद्योगिक पूंजीवाद में अगर हम बात करें कृषि का वाणिज्यीकरण, ये बिल्कुल सही बात है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया था क्योंकि यहीं से हमें नील की खेती, नकदी फसलों की खेती की जाने लगी, यानी कृषि का रॉ मटेरियल यानी जो भी आपके इंडस्ट्रियल उत्पाद थे उनके लिए रॉ मटेरियल भारत से आयातित होने लगा, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर पूंजीवाद के तौर पर आंकी जाती है। दूसरा, देश में बने पीतल और तांबे के बर्तनों के स्थान पर यूरोप से आयातित एल्युमिनियम के ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, बिल्कुल उनका पतन हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अहमदाबाद, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, आगरा और चिंसुरा क्या हैं, ये इसको ज़रा समझिए। आगे क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है इसको ज़रा समझते हैं। उपरोक्त में से कितने स्थानों पर अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पांच। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने आपके कहाँ कहाँ पे स्थापित की, अगर हम बात यहाँ पर कर दें तो 1608 में जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से हॉकिंस को भेजा, हॉकिंस ने जहांगीर से 1615 में अनुमति ले ली और इसके स्वरूप उन्होंने भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा में व्यापारिक अहमदाबाद और आगरा में व्यापारिक उद्योग केंद्र खोले। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो कहाँ कहाँ खोला था, अहमदाबाद खोला था, मसूलीपट्टनम खोला था, आगरा खोला था, भड़ूच खोला था, इसके अलावा कहाँ पे खोला था, भड़ूच खोला था यानी जो गुजरात में है, भरूच बंदरगाह है वहाँ पर खोला था। तो इस जगह से अपने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी 1615 में। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, तीन मिल रहा है। चिंसुरा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चिंसुरा में अंग्रेजों ने 1602 में जो डचों द्वारा बनाई गई थी फैक्ट्री उस पर कब्जा करके अपने अधीन लिया था, वहाँ पर उन्होंने सीधे फैक्ट्री नहीं खोली थी। ठीक है, समझे मित्रों। तो यहाँ पर कितने सही होंगे, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा उसे देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फॉर्कलिफ्ट यानी छोटे वाहन, डिजिटल कैमरे, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, ऑप्ट्रॉनिक्स और मोबाइल, उपरोक्त में से कितनों पर प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो
हालिया में एक रिसर्च आई सामने, ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने बताया कोबाल्ट और प्लेटिनियम की एक मिश्र धातु को जब मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो मेथनॉल का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और ये उत्प्रेरक का काम करता है, और इस जो प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन का एनोड पर रहता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इसका प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, स्तंभ मरारी बंदोबस्त की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। स्तंभ मरारी बंदोबस्त होता है मित्रों स्थाई बंदोबस्त, क्या होता है, स्थाई बंदोबस्त हैं, इसे जरा समझते हैं। इसके तहत जमींदारियों एवं मालगुजारों को भूस्वामी बनाया गया, इनके स्वामित्व का आधार वंशगत कर दिया गया, काश्तकारों को अपनी भूमि पर सभी आर्थिक क्रियाकलापों से वंचित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जमींदारी व्यवस्था जैसा कि आप लोग जानते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा जब अंग्रेज़ों के अधीन आई तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जब वो वायसराय बना तो उसने भारत में एक स्थाई इनकम के सोर्स के तौर पर भारत में अंग्रेज़ों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। तो उसी स्थाई बंदोबस्त को हम जमींदारी बंदोबस्त या स्तंभमारी बंदोबस्त कहते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो जमींदारों के लिए एक क्षेत्र दे दिया जाता था, ठीक है, और यही इस पर ही क्या है, कंपनी ने 1765 में दीवानी प्राप्त कर ली थी और 93 में स्थाई बंदोबस्त शुरू हो गया था, भूस्वामी बना दिया गया जमींदारों को। तो ये बात आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे पर अगर हम चलें, क्या कह रहा है, काश्तकारों को अपनी भूमि पर सभी आर्थिक क्रियाकलापों से बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब जो कृषि के लिए अगर आप करेंगे वो जमींदार ही करेंगे, यानी ये भी बात क्या हो गई, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हम जाएंगे तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, साम्राज्यीकरण वरीयता की नीति, रेल किरायों की पक्षपातपूर्ण नीति, पूंजी का अभाव, तकनीकी शिक्षा, उपरोक्त में से कितने भारत में उद्योगों के सीमित विकास के कारण थे, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या हैं सीमित विकास के कारण, तो भारत में उद्योगों के सीमित विकास के कारणों पर अगर हम बात करें तो साम्राज्यी वरीयता की नीति अपनाई, यानी कहने का मतलब है अपने मातृ देश के विकास के लिए जो भी अनुरूप जो भी पॉलिसी बनाई जाएं उन पॉलिसियों का प्रयोग किया इस आधार पे। दूसरा, रेल के किराओं पर पक्षपातपूर्ण नीति का प्रयोग किया गया, पूंजी का अभाव के तौर पर देखा गया और तकनीकी शिक्षा का अभाव, ये चारों के चारों हैं भारत में औद्योगिक क्रांति की सीमित विकास के चरण के तौर पर देखे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 उसे जरा हम लोग देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आर्थिक राजनीतिक एवं सैन्य हितों की पूर्ति, उपद्रव को दबाने हेतु सेनाओं का तीव्र आवागमन सुनिश्चित करना, भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास, कच्चे माल के मुख्य निर्यात केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ना, उपरोक्त में से कितने भारत में रेलवे के विकास के उद्देश्य थे। तो यहाँ पर यदि हम भारत में रेलवे के विकास के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कौन कौन से होंगे, तो आर्थिक और राजनीतिक सैन्य के हितों की पूर्ति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत में विफल हो गई, उसका क्या कारण था, उसका सबसे बड़ा कारण था रेलवे। रेलवे ने अंग्रेज़ों को आसानी से पहुंच बना दी हर जगह पहुंचने में, जबकि भारतीयों को ऐसा सुविधा नहीं थी। तो पहला कारण तो ये बिल्कुल सही है, उपद्रव दबाने हेतु सेनाओं का तीव्र आवागमन सुनिश्चित करना, देखिए यहाँ पे इंक्लूड भी किया गया है, भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास, कच्चे मालों के निर्यात केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, आर्थिक और राजनीतिक भारत का नहीं होगा, किसका होगा, इंग्लैंड का होगा। तो ये पॉइंट इस हिसाब से गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे 3 सही, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है,
कौन सा कथन सही नहीं है जरा इसे देखते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर मलय जलडमरू मध्य एवं इंडोनेशियाई द्वीपों पर अधिकार स्थापित किया। सर थॉमस रो को मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्रियां स्थापित करने का शाही फरमान प्राप्त हुआ। फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में मद्रास के स्थानीय राजा से सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त किया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें कौन सा सही नहीं है, तो मित्रों 1602 में डच कंपनी स्थापित हुई और डचों ने जलडमरू मध्य इंडोनेशियाई द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, ये बात बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्रियां स्थापित करने का शाही फरमान लिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में मद्रास के स्थानीय राजा का सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त किया, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ब्रिटिश ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई और पट्टा 1639 में स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया मद्रास के, और राजा की उनकी प्रशासन पर किलेबंदी की और चुंगी पर आधा भाग राजा को दिया, और इसी के इर्द गिर्द उन्होंने जिसका नाम पोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में नहीं, ये ब्रिटिशों ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश ने, यानी अंग्रेजों ने ऐसा हुआ था। तो ये हमारा इस हिसाब पे गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9वें का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है 10, इसे देखते हैं। इंडियाई, ठीक है, INDIAAI पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा, सरकारी सेवा वितरण में सुधार, संज्ञानात्मक प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा, AI प्रथाओं को बढ़ावा, इसके कितने उद्देश्य इसमें शामिल हैं? अगर INDIAI के बारे में बात करेंगे तो इंडिया AI और मेटा इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तौर पर जानी जाएगी। किस पर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तौर पर जानी जाएगी। ठीक है, और ये है क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? जिसे 28 मई 2020 में लॉन्च किया गया था और इस संगठन का पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर बात की गई थी। कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र? सामाजिक समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए, यानी ये हमने आपको क्या बताया, ये 28 मई 2020 में लॉन्च किया गया था, ये बात ध्यान रखना। पारिस्थितिकी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की बात की गई थी, तो इसी में सरकारी सेवा के वितरण के सुधार की बात है, संगठनात्मक प्रणाली के नवाचार को बढ़ाने की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रथाओं को बढ़ाने की बात है। तो यहाँ पर कितने सही हैं? यहाँ पर चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है जरा इसे समझते हैं। भारत में औद्योगिक विकास करना राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव, इंग्लैंड में उत्पन्न पूंजी निवेश की समस्या का समाधान करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या क्वेश्चन है इसे जरा ठीक है, उपरोक्त में से कितने वित्तीय पूंजीवाद के संबंध में सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? ठीक है, तो भारत में यह चरण जो कि था क्या वित्तीय पूंजीवाद के बात है, वित्तीय पूंजीवाद के तौर पर भारत के आंतरिक एवं बाह्य घटनाओं का परिणाम था, जो काफ़ी पहले दो चरणों के विनाशकारी परिणाम आने से शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें हुई थी ये बताना है, यानी किसके लिए वित्तीय पूंजीवाद, जो शुरू में ही आपको हमने पूंजीवाद बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जरा इसे देखते हैं। तो क्या क्या है वित्तीय पूंजीवाद? भारत में औद्योगिक विकास करना, तो भारत में औद्योगिक विकास की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई औद्योगिक भारतीय हितों और भारतीय सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय हितों ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर होती तो इसमें इन्हें भारतीय औद्योगिक विकास की तो कोई बात ही होगी ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा कोई भी नियम नहीं होगा। राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था वित्तीय पूंजीवाद, किसका? राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, दूसरी इंग्लैंड में उत्पन्न पूंजी निवेश की समस्या का समाधान करना इसी के अंतर्गत किया गया था, ये दोनों
दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। इंग्लैंड में समस्या आ रही थी, इस समस्या के समाधान के लिए ये बात की गई, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पर सही हैं। तो अब यहीं पर हम विकल्प पर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से विकल्प यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच खाई को कम किया। किसानों की भागीदारी आंदोलन में अभूतपूर्व रही। अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पॉल ने पूरे आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहला मास आंदोलन जो हुआ था वो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो कि परिणाम था आपके बंगला या बंगाल विभाजन का, ठीक है। अब ज़रा देखें इसमें, इसने उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच खाई का को कम किया। तो स्वदेशी आंदोलन ने उदारवादियों और कर्मपंथियों के बीच खाई को कम नहीं किया। वो कम इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ लोग चाहते थे, जो नरमपंथी थे, कि ये जो इसका मास हो या आंदोलन हो वो बंगाल में ही सीमित रहे। गर्मपंथी ऐसा नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर खाई कम तो कतई नहीं हुई, ये वर्ड यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। दूसरा, किसानों की भागीदारी आंदोलन में अभूतपूर्व रही। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं की, अभूतपूर्व नहीं रही है। पूरे आंदोलन का नेतृत्व अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पॉल ने भूमिका निभाई थी, ये भी सही नहीं है। इन्होंने ऐसी भूमिका नहीं निभाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम कथनों पर जाएंगे तो ये कथनों की बात तीनों सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की शीर्ष ग्रुप ने इस पर नेतृत्ववाद की थी, यानी तीनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे मित्रों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राजनीति को उग्रवाद की ओर जाने से रोकना होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था। अमेरिका में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किससे संबंधित है, कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राजनीति में उग्रवाद की ओर जाने से रोकना होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में होम रूल मूवमेंट चला, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और होम रूल के लिए यानी डोमिनियन स्टेट के कंपेरेटिवली आप इसे एक तरह से देख सकते हैं, जो आयरलैंड वगैरह में उस समय उपलब्ध था, उसी के आधार पर यहाँ पर भी कहा गया कि होम रूल आए। तो जो पहली बात थी वो बात बिल्कुल सही है। दूसरी, अमेरिका में लाला लाजपत राय और की अध्यक्षता में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई, ये भी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा, ठीक है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1915 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि बैंकों की स्थापना, स्थायी बंदोबस्त का विस्तार, विदेश भेजे गए भारतीय मजदूरों की सुरक्षा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, उपरोक्त में से कितने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगों को समय शामिल थे? एक, दो, तीन और सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राष्ट्रवादियों की मांगों में कौन कौन शामिल था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी के चरण जो थे वो कई चरणों में था। ऐसा ही एक चरण था, प्रारंभिक चरण, जिसमें कृषि बैंकों की स्थापना की बात की गई थी, स्थायी बंदोबस्त की बात की गई थी, ठीक है, विदेश भेजे गए भारतीय मजदूरों की सुरक्षा की बात की गई थी, न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक्करण की बात की गई थी, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ये चारों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर भी हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसे ज़रा हम लोग देखते हैं।
यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है। यह पौधों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार के समक्ष सक्षम है। ह्यूमिक एसिड को इसमें मिलाने से उर्वरक के रूप में इसका जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पर सही हैं यूरिया गोल्ड से संबंधित? तो यहाँ पर यदि हम बात करें यूरिया गोल्ड से संबंधित, सल्फर लोपित यूरिया की एक नई किस्म है यूरिया गोल्ड। अगर 2023 जुलाई में राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया जिसमें सल्फर से लोपित है, जिससे मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा किया जाए, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी, यह पौधों में नाइट्रोजन की दक्षता में सुधार करने में सक्षम है, बिल्कुल। ह्यूमिक एसिड इसमें मिलाने से उर्वरक के रूप में इसका उपयोग ये भी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी 16। क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्लाइल सर्कुलर स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को सीमित करने से संबंधित था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रोलेट सत्याग्रह का कुछ उदारवादी नेताओं ने विरोध किया था। एनी बेसेंट के कौने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने लोगों ने भूमिका निभाई थी, क्या है कार्लाइल सर्कुलर स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी से सीमित था। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें तो सरकार के दमनात्मक नीति और शिकार विशेषकर छात्र बने। तो 1905 में कार्लाइल सर्कुलर निकला जिसके द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया कि वो छात्रों के आंदोलन से अलग रखें, अन्यथा उनको दी जाने वाली सहूलियतें समाप्त हो जाएंगी। यह बात समझे, इस कार्लाइल सर्कुलर क्या था? ठीक है, दूसरा, गांधी जी द्वारा शुरू की गई रोलेट सत्याग्रह कुछ उदारवादी नेताओं ने विरोध किया था। दो, अगर हम रोलेट सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे तो ये हुआ था 21 मार्च 1919 में। तो इसमें हुआ क्या था, ज़रा इस पर विचार करें। तो रोलेट सत्याग्रह में DIV वादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, जो नरम दल के नेता के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वो इस आंदोलन को ना करें, इस सत्याग्रह को ना करें, और उन्होंने इसका विरोध किया था। यानी ये भी कथन बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम लोग जानते हैं 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, जातीय संकीर्णता में की भावना में कमी, धन की निकासी में तीव्रता, उपरोक्त में से कितने भारत में रेलवे के विकास के सकारात्मक प्रभाव थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी, सभी चार। तो रेलवे के विकास के सकारात्मक, तो रेलवे के विचार की सवादात्मक सकारात्मक यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भारत के लिए पॉजिटिव क्या थे? तो श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई थी, बात सही है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, ये सकारात्मक प्रभाव था। ये क्या था? सकारात्मक प्रभाव। जातीय संकीर्णता की भावना में कमी आई थी, बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव था। ठीक, दूसरी बात अगर हम करें, धन निकासी में तीव्रता बिल्कुल आई थी, तो ये निगेटिव प्रभाव है। कैसा है? निगेटिव। बात समझे यहाँ पे, जाति कैसी बदली? जैसे हम ट्रेन में बैठने जाते हैं तो हम क्या पड़ोसी से पूछते हैं, साहब आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हैं? यानी ऐसे किसी प्रकार के वचन हम नहीं बोलते हैं और सीधे ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो इसने ऐसा क्या किया? ऐसा ही किया रेल ने। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे रेल से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्या होंगी? बिल्कुल सही होंगी। केवल ये जो था ये इंग्लैंड के पक्ष में था, भारत के पक्ष में नहीं था।
ठीक है, तो यहाँ पर कितने सही हैं, सी सही है, ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया, 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत भारत तहत गवर्नर जनरल की परिषद सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई, तो ये दोनों बातें तो हैं तो सही, तीसरी क्या है आगे देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम के आधार पर, रंग के आधार पर कंपनी के अधीन सेवा से वंचित व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, यानी ये जो बात यहाँ पर कही गई है बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा 13 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये काम 1813 के चार्टर एक्ट से नहीं बल्कि 1784 के PIT पिट्स इंडिया एक्ट से किया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। ठीक है, आगे तीसरी बात ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सी बात भारत की देन है, तो 1 और 3 है, ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विद्रोह है संबंधित व्यक्ति है, क्या विद्रोह है, कित्तूर का विद्रोह है, पाई का विद्रोह है, कू का विद्रोह है, तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने सही सुमेलित हैं, कित्तूर का विद्रोह जो कि 1824 में हुआ था, कब हुआ था, 1824 में। ठीक है, और ये विद्रोह जो हुआ था वो आपके रामप्पा के नेतृत्व में हुआ था चेनम्मा में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पाई का विद्रोह जो हुआ था वो आपके 1817 में हुआ था, कब, 1817 में, ये भी सही है। कूका विद्रोह के बारे में बात करें तो ये धर्म विद्रोह था, तो ये जवाहरलाल भगत के तौर पर सिखों के द्वारा हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है 20, इसे ज़रा समझते हैं। प्रायः समाचारों में रहा ढाला क्रेटर भारत के किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो समाचारों में रहा ढाला जो क्रेटर है 2023 में प्रकाशित हुआ था, दुर्लभ यूरेलाइट उल्का पिंड है। ठीक है, ढाला प्रभाव क्रेटर जो प्रारंभिक सौरमंडल, ठीक है, जल और जीवन के तौर पर जाना जाता है, यूरोलाइट्स आदिम उल्का पिंडों को एक दुर्लभ है जो पृथ्वी पर उल्का पिंडों का छोटा सा हिस्सा है, तो इसका पहला नमूना खोजा गया और ये ढाला क्रेटर भारत का सबसे पुराना और बड़ा प्रभाव वाला क्षेत्र है जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में प्रशासन को केंद्रीयकरण किया गया, बुड डिस्पैच द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास का विरोध किया गया, मुक्ति कौन पाथे पुस्तक में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये 1905 में वरिंद्र कुमार घोष की क्या भवानी मंदिर के तौर पर एक पुस्तक बनी, ठीक है, और मुक्ति कौन पाथे भारतीय सैनिकों को हथियार देने का आग्रह किया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दूसरा बुड डिस्पैच के प्रावधानों से शिक्षण संस्थाओं में स्थापना की गई, तो ये बात बिल्कुल गलत है, बुड डिस्पैच का प्रावधान इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के समान संस्थाएं भारत में भी बनाई जाएं, ये बात की गई थी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का विरोध किया था, नहीं इन्होंने समर्थन किया था, क्या किया था, समर्थन, तो ये बात गलत हो जाएगी। 33 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, और ऑप्शन जो होंगे वो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, क्या है 22, उसे देखते हैं, क्या है 22 उसे देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्न आय एवं गरीबी, ठीक है, क्या है, निम्न आय एवं गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक धार्मिक अवसरों पर फिजूल खर्ची, उपरोक्त में से कितने किसानों को ऋण लेने के लिए प्रेरित करने वाले कारक थे। तो निम्न आय एवं गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अवसरों में पर फिजूल खर्ची, तो किसानों को ऋण लेने के लिए कौन कौन सी हैं। तो मित्रों, निम्न आय एवं गरीबी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, फिजूल खर्ची है, तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि का प्रावधान किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तीन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रांतीय सदस्यों के तौर पर कौन से कथन, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 या इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्या है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सांप्रदायिक पंचायत इसी से आया था। पहली बात तो आप ये तीनों चीज़ें समझ लीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त थे, बिल्कुल सही है, प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्या है 24, निम्नलिखित में से कौन से मुस्लिम लीग के सदस्यों के संदर्भ में सही हैं, धर्म के आधार पर पृथक राष्ट्र का निर्माण, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना का को बढ़ावा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, एक और दो, दो और तीन, तीन, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के संबंध में बात बतानी है, तो मित्रों यहाँ पर मुस्लिम लीग के अगर बारे में बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारी, धर्म के आधार पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात अभी नहीं की गई थी, ठीक है, बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पालना योजना के संदर्भ में बताइए, पालना योजना क्या है, इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को डे केयर की सुविधाएं प्रदान करना, ये बात बिल्कुल सही है, पालना योजना जो है बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और संगठनात्मक सुरक्षित वातावरण या डे केयर की सुविधाएं देने की बात की गई है, बिल्कुल सही है, इस मिशन शक्ति की एक घटक के रूप में शामिल किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, मिशन शक्ति के रूप में शामिल है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्रियान्वित करता है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी, तो ये तीनों बातें सही होंगी, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, क्रिप्स मिशन, केबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं 1946 में हुई थी, कब हुई थी, 1946 में हुई थी, तो इनकी अगर हम बात करें तो बॉम्बे म्यूटनी के नाम से जाना जाता है नौसेना विद्रोह, जो कब हुआ था, जो मित्रों हुआ था आपका 18 फरवरी 1946 में, कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 में। क्रिप्स मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है वो आपका 1942 में आया था, कब आया था, मार्च 1942 में आया था, ये जो था ये विश्व युद्ध में भारत की सहायता या भारत को अपने सहयोगी के तौर पर रखने के तौर पर ये किया गया था। बेवल योजना के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी विजयी घोषित हो गए, तो भारतीय नेताओं के 25 जून को सम्मेलन हुआ और शिमला सम्मेलन में बेवल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कब किया, 25 जून 1945, कब, 25 जून 1945 को किया था, ठीक है। दूसरा अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया था 1946
1940 में क्या दिया था, 1940 में दिया था। और यही क्रम अगर हम देखें सही कालक्रम में स्थापित करना है तो सबसे पहली जो घटना घटती है वो घटती है आपकी अगस्त प्रस्ताव यानी 4 नंबर। दूसरी घटना आपकी घटती है कौन सी, क्रिप्स मिशन। तीसरी घटना बेबल योजना। और चौथी घटना ये आपका रॉयल इंडियन। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का सहयोग करने का विरोध किया। कामा घाटा मारू घटना ने गदर आंदोलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कांग्रेस लीग समझौते को मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रोलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने होम रूल लीग के उपयोग करने का विरोध किया। तो रोलेट सत्याग्रह में यदि हम बात करें तो गांधी जी ने रोलेट अधिनियम का सत्याग्रह की सभा में स्थापना की और संपूर्ण देश में हड़तालों का आयोजन किया और इसने इसका विरोध नहीं किया था, यानी ये गलत है। कामटा गारू घटना ने गदर आंदोलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कामटा गारू घटना के बारे में यदि हम बात करें तो ये भड़की भावनाओं का फायदा भारतीय क्रांतिकारियों खासकर गदर पार्टी के मकसद के लिए सुधार समर्थन जुटाने के लिए उठाया गया। ठीक है, तो 1914 में गदरवादियों द्वारा कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय के लिए बैठक आयोजित हुई और इन नेताओं ने घटना का उपयोग समुदाय के उद्देश्यों के साथ जुड़ने की अपील करने के लिए किया। ठीक है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ लीग समझौता का विरोध किया था, ये बात बिल्कुल सही है। 1916 में ये समझौता जो हुआ था इसका तिलक और एनी बेसेंट ने सहयोग किया था जबकि मदन मोहन मालवीय इसके विरोध में खड़े थे। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बेंथम, मिल और रिकार्डो के सिद्धांतों पर आधारित बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना। ठीक है, दूसरा ब्रिटिश भारत में अंतर्गत सार्वजनिक सर्वाधिक भूभाग पर लागू उपरोक्त में से कितने रैयतवाड़ी संदर्भ के संबंधित थीं। तो रैयतवाड़ी संदर्भ के संबंधित अगर हम बात करेंगे तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपके साउथ इंडिया में थी। कहाँ पर थी, साउथ इंडिया में थी। ठीक है, और इस व्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा भूभाग था और ये बात बिल्कुल सही है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो सीधे किसान से किया जाता था, यानी रैयत से किया जाता था, यानी यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सार्वजनिक भूभाग पर लागू थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है, समझते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव में अगर हम डिस्कस करेंगे तो दस्तकारों और शिल्पकारों का पतन भी हुआ था, पुरानी जमींदारी व्यवस्था का पतन, नई व्यवस्था का उदय, ठीक है, कृषि का ठहराव और आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक, कैसे अगर हम ये कहेंगे तो ऐसा था कि जमींदारी बिखरती थी, आज नए जमींदार आने लगे, तो ये यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30? मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अत्यधिक प्रभावी कार्बन सिंक मधुमक्खियों के लिए पराग, कार्टेशियंस के लिए आवास, कंगारुओं को भोजन, उपरोक्त में से कितने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को संदर्भित करते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषताओं को संदर्भित करने की अगर हम यहाँ पे बात करें, अत्यधिक का प्रभावी कार्बन सिंक यानी कार्बन को शोषित कर लेते हैं मैंग्रोव वन, ये बिल्कुल सही है। मधुमक्खी वहाँ पर कई प्रकार के फूल होते हैं जो मधुमक्खियों के पराग के में सहायक होते हैं, कीड़े होते हैं, क्रिटेशियंस का आवास होता है, कंगारुओं का भोजन है, ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा स्वावलंबन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। 20वीं शताब्दी में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की बात की जाती थी, और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन के माध्यम से अभियान चलाया, ये बात बिल्कुल सही है, अभियान गुप्त संगठन के माध्यम से चला था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का भौगोलिक स्वरूप क्षेत्रीय था। तो तिलक द्वारा यदि हम बात करें, भौगोलिक स्वरूप जो था वो क्षेत्रीय था, क्योंकि ये प्रांतों में क्षेत्र बटा हुआ था। तो ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, बनारस अधिवेशन में ऐसा नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी 1906 में। तो ये गलत हो जाएगा। कितने सही हैं? 2 हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। न्याय का प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व और उद्योग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करना आपने प्रारंभ कर दिया, तो अब देखते हैं उपरोक्त में से कितने भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थानांतरित विषय थे। स्थानांतरित विषय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब जो था मामला वो कुछ बदल गया था, और अब जो बातें थीं वो क्या हो गई थी स्थानांतरित विषय के तौर पर। ठीक है, तो अब भागीदारी क्षेत्रों में बांट दिए गए विषय, तो यहाँ पर कौन कौन से विषय कहाँ पर थे जरा ये समझें। स्थानीय सुशासन और उद्योग, ये आपके विषय स्थानांतरित विषय के तौर पर इंक्लूडेड हैं। न्याय और भू राजस्व केंद्रीय विषय के तौर पर इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं किसमें 2 और 4 हैं या केवल 2 हैं। तो यहाँ पर देखें 2 और 4 बी में हैं, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करना था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत के मूल निवासियों से विवाह करने की नीति शुरू की, और एवं इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, डचों और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय उद्योग के विकास के लिए लगान मुक्त भूमि एवं अन्य सहायता प्रदान की गई। नील से रंग बनाने के उद्योग का भारत में 18वीं सदी की शुरुआत में आरंभ हुआ। 3 औद्योग भारतीय औद्योगिक विकास क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यधिक असंतुलित था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करनी है कितने कथन जो हैं सही हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्या है, ब्रिटिश चाय के लिए लगान मुक्त भूमि एवं अन्य अन्य सहायता प्रदान की ब्रिटिश शासन ने, ये बात बिल्कुल सही है। ये चाय बागान उन्हें ही दिए गए, अंग्रेज जो थे तो वहाँ पर ऐसा हुआ। नील के रंग बनाने के लिए उद्योग में 18वीं सदी की शुरुआत में आरंभ हुआ। अगर हम नील से रंग के बारे में बात करें तो ये 18वीं सदी की शुरुआत में नहीं, ये जो हुआ था 19वीं सदी की शुरुआत में, तो ये बात
गलत हो जाएगी। भारतीय औद्योगिक क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यधिक असंतुलित था, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? दो सही हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में समाचारों में रहे शब्द संबंध ओल्चकी कोई जो कैर, तो ये बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है युग्म है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ओल्चकी संथाली भाषा की एक लिपि है, ओल्चकी संथाली भाषा की लिपि है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ओल्चकी जो है वो एक लिपि है न कि भाषा, ठीक है, और किस भाषा की है, संथाली की है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कोई के बारे में बात करें तो ये जो है एक भाषा है, और ये भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार की है। किस परिवार की है? द्रविड़ परिवार की है, जो एक समुदाय है। क्या है? जो एक समुदाय है, ये बिल्कुल सही है। कोर एक पूजा पद्धति है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस पर? 36 पर। क्या है 36? क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत राजस्व वसूली का काम गांव के मुखिया या जमींदार को था। दूसरा, बार्ड मार्टिन वर्ड द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार राजस्व की दरें पुनर्निर्धारित की गईं। तीसरा, प्रायोगिक तौर पर इसको अवध के क्षेत्रों में लागू किया गया। कितने महलवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही हैं? तो महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें मुझे लगता है सही हैं, क्योंकि काम गांव के मुखिया या महल के द्वारा होता था, सूर्यास्त का नियम इसमें होता था, मार्टिन वर्ड द्वारा बनाई योजना थी, अवध क्षेत्र, अवध यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके आसपास वाले क्षेत्र में थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। किस पर? 37 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या रमौसी कृषक दल, मित्र मेला, अंजुमन ए मोहिस्वान ए वतन, इंडियन लीग, उपयुक्त कितनी संस्थाएं, समितियां क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्रांतिकारी समितियाँ जो थीं वो रमौसी कृषक दल 1879 में बनी, ठीक है। मित्र मेला क्रांतिकारी गतिविधियों में थी 1899 में सावरकर के नेतृत्व में। अंजुमनी महसू पतन अनुशीलन समिति 1902 में बनी थी, ठीक है। इंडियन लीग जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए बनाई गई थी। क्रांतिकारी समितियाँ केवल ये तीन थीं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कृषक की स्थिति किराएदार के रूप में स्वीकार की गई, जमींदार को भू राजस्व में अधिक भू राजस्व की अदायगी पर निर्भर किया गया, इसके तहत असामंतीकरण की प्रक्रिया की स्थावरवात हुई। तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्या? सी जो है हमारा सही हो जाएगा। 1857 के पश्चात किसान आंदोलन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उनकी मांगें पुख्ता आर्थिक सीमाओं पर आधारित थीं। आंदोलन का प्रसार क्षेत्र सीमित था। किसानों का मुख्य क्षेत्र बंगाल मालिक समाधार और महाजन थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सारी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और ऑप्शन कौन सा होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। किस पर? 40 पर। क्या है 40? इसे देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही सिल्वर कॉक्सकॉम प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? सिल्वर कॉक्सकॉम प्रजाति, यदि हम बात करें जुलाई में, तो सोलिगा आदिवासी समुदाय सिल्वर कॉक्सकॉम एक प्रकार की उपद्रवी खरपतवार का उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन फसलों को नुकसान पहुंचाने कीड़े भीड़े पत्तों को आकर्षित करता है, यानी ये क्या है? खरपतवार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है? बंग भाषा प्रकाशक सभा जमींदारों के हितों को बढ़ावा देने के लिए की बात करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन करना था। लाला लाजपत राय इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो बंग भाषा प्रकाशक 1866 में हुआ, 38 में हुआ था, ठीक है, 1836 में बंग भाषा प्रकाशन हुआ था, जमींदारों के हितों को बढ़ावा देती थी। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी जो जमींदारों के हितों को बढ़ावा देती थी, ये नहीं करती थी। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड का समर्थन करना था। 1800 दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और इसका पक्ष भारत में इंग्लैंड के समर्थन को प्राप्त करना था, ये बात बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय इंडियन कलकत्ता के प्रमुख नेता थे, सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन लीग, तो यहाँ पर लाला लाजपत नहीं बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके सदस्य थे, तो ऑप्शन ये गलत, केवल एक सही, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 942। क्या है 42, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पावना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित पथों पर विचार कीजिए। इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया था। हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर संघर्ष किया। किसानों का यह संघर्ष मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर लड़ा गया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? आंदोलन संगठन नायक अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोधी लुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देव समाज शिव नारायण अग्नोत्री इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनमें से कौन सही सुमेलित है, तो अखिल भारतीय स्पृश्यता के बारे में बात करें तो ये 30 सितंबर 1932 को गांधी जी द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 30 सितंबर 1932 को। किसके द्वारा? एम गांधी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस पर? 44 पर। क्या कह रहा है 44, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने पोर्ट नोवा के समीप टीपू सुल्तान को पराजित किया। द्वितीय मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के नियंत्रण वाले माहे क्षेत्र पर कब्जा करना था। श्रीरंगपट्टनम में संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को एवं बोडियार राजवंश को सौंपना पड़ा। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं, ठीक है। कितने कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने पोर्ट नोवा के समीप टीपू सुल्तान को पराजित किया, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और उनके बीच हुआ था। 1781 में हैदर अली द्वारा 1769 में लड़ा गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। द्वितीय मैसूर युद्ध तत्कालिक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के नियंत्रण चाहने वाले माहे पर कब्जा करना था, ये बात बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने अपने आधा हिस्सा अंग्रेजों को बोडियार राजवंश को सौंपना था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। सौर कार्यबल निर्माण उत्पादों का मानकीकरण, बुनियादी ढांचे की स्थापना, विदेशों में अपनी पहुंच सुनिश्चित करना, उपरोक्त में से कितनी भारतीय पहले स्टार सी के उद्देश्यों में शामिल हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, कभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी स्टार सी उद्देश्य में ये सभी चार शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। उन्नीसवीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मूल बुद्धि वाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे तत्वों में शामिल था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो दोनों बातें सही हैं और ए की व्याख्या भी हो रही है दो द्वारा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है? इसका उपयोग उल्लेख बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। देवी चौधरानी और मजूनम शाह इनके प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी थी। उपरोक्त में से कितने सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। किस पर? 49 पर। क्या कह रहा है 49? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक उदारवादी नेता भारतीय श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में व्यापार संघों का वैध संगठन के रूप में मान्यता दी गई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50 पर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क विकास में वृद्धि, फेफड़ों के संचालन बाधित, हृदय गति में अवरोध, विकासशील भ्रूणों के लिए हानिकारक, उपरोक्त में से कितने ई सिगरेट के दुष्प्रभावों में शामिल हैं? तो ई सिगरेट होती क्या है पहले तो मित्रों ये समझ लीजिए आप, ठीक है। जुलाई ई सिगरेट में प्रतिबंध के उल्लंघन का रिपोर्ट सामने आई है। 2019 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ई कॉमर्स साइटों पर 18 साल की कम उम्र के बच्चों को भी ई सिगरेट बेची जा रही है, ठीक है। ई सिगरेट होता क्या? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी प्रणाली है जो बैटरी चालित गैर दहनशील तंबाकू उत्पादों को उपयोग करती हैं। इससे बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीक माना जाता है। तो मस्तिष्क के विकास में वृद्धि होती है, ठीक है, फेफड़ों के संचालन बाधित होते हैं, हृदय गति अवरोध होती है, ये चारों बात सॉरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से बातें दुष्प्रभाव में होंगी? निकोटिन होता है, विकासशील भ्रूणों के लिए हानिकारक, सही है। दूसरा, किशोरों के वयस्क मस्तिष्क के नुकसान पहुंचता है, यहाँ मस्तिष्क में वृद्धि नहीं नुकसान होगा, हृदय गति अवरोध, तीन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51? ब्रिटिश संविजय के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गई, बंगाल के नवाबों का प्रभाव कम हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया, भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पर ब्रिटिश विजय का परिणाम भारतीय उपनिवेश शासन की शुरुआत होना ये ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या है? राज्यों की विदेश नीति को कंपनी के अधीन करना, विदेश व साम्राज्य का विस्तार करना, अंग्रेजों द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों को अपने अधीन करना, राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, उपरोक्त में से कितने सहायक संधि के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल थे? तो सहायक संधि के प्रावधानों के बारे में यदि हम बात करें तो ये किसी भी रूपीय शक्ति की सेवा न रखना, विदेश नीति पर कंपनी के अधीन करना, बात बिल्कुल सही है, राज्य में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति, अंग्राज्यों में आंतरिक मामलों के अधीन, तो राज्यों में विदेश नीति कंपनी के अधीन करना, ब्रिटिश सेना की नियुक्ति, राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण के लाना, ठीक है, आंतरिक मामलों बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा, आंतरिक मामलों को अपने अधीन करना, आंतरिक मामलों एवं बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा, रियासत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है, आंतरिक मामलों में अपने अधीन करना ये नहीं होगा, ठीक है, ब्रिटिश राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, ठीक है, ये सही है, ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना, ये तो था ही, ब्रिटिश राज्य का है, इनके इन प्रकार इन विस्तार करा जाए, विदेश नीति कंपनी के अधीन लाना। तो यदि हम बात करें राज्यों को ब्रिटिश क्या हुआ, राज्यों को विदेश नीति अंतर लाना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, सिया रियासत में आंतरिक मामलों में देसी रियासतों आंतरिक और बाह्य आक्रमण सुरक्षा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, रियासतों के आंतरिक मामलों देसी राज्यों को विदेश नीति पर कंपनी के अधीन होगी, ठीक है, ये बात सही है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अंग्रेजों द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों पर अधीन करना, आंतरिक मामलों बाह्य हस्तक्षेप की बात की जा रही है, आक्रमण की बात की जा रही है, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये बात सही है, ये दोनों सही नहीं होंगी, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं ठीक नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। किस पर? 53 पर। क्या है 53? पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रेगुलेटिंग 1877 के संदर्भ में इसके तहत भारत में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित किया गया, ठीक है, बात सही है, गवर्नर जनरल परिषद द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च न्यायालय के लागू कानून करना अनिवार्य किया गया, और केवल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार भारत में प्रशासन किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से तीन सही होंगे या आगे भी दिया गया है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या हैं मैं अगर हम बात करेंगे तो केवल एक सही है और वॉरेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? इसे देखते हैं, तृतीय एंग्लो मैसूर हुआ डिंडिगुल क्षेत्र पर कब्जा, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध उड़ीसा कटक प्रदेश आना, प्रथम आंग्ल बर्मा अकरान और तानसारकीरम तटीय का क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये केवल बड़े औद्योगिक संस्थानों या कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं, इनसे प्राप्त आय का उपयोग सतत पर्यावरणीय विकास के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं में किया जाता है, इन्हें लंबी परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाता है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर केवल बड़े औद्योगिक संस्थान कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं ऐसा नहीं है, इनसे प्राप्त आय का उपयोग सतत पर्यावरणीय के रूप में वर्गीकृत योजनाओं में किया जाता है सही है, इन्हें लंबी परिपक्वता अवधि के अधीन जारी किया जाता है ये भी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? निम्नलिखित अधिनियम पर विचार कीजिए, इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के युद्ध एवं राजस्व के मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया,
इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत के कार्यों प्रशासन सरकार के कार्यों के संचालन एवं मार्गदर्शन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। उपरोक्त में से किस चार्टर अधिनियम से ये संबंधित हैं? ये जो अगर हम बात करेंगे तो ये जो संबंधित हैं मित्रों, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54/7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तैयब जी, दादा भाई नेहरू जी, प्रणब मेहता, फर्नांडो चारलू अधिक बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कितने एक से अधिक बार, दादा भाई नेहरू जी रहे हैं एक से अधिक बार अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी बात यदि हम करें और किसी की, तो और कोई इसमें सही नहीं है, दादा भाई ने, ठीक है। तैयब जी अगर हम बात करें तो मद्रास अधिवेशन में 87 में रहे थे, ठीक है। नेहरू, दादा भाई नेहरू जी अगर हम बात करते हैं तो 86-93-6 में रहे थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58? भारत में औद्योगिक शिक्षा संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग शामिल है। सामाजिक आर्थिक विकास पर बल। पोता से नगरों और आसपास केंद्रित मशीनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का विस्तार। उपरोक्त में से कितने औपनिवेशिक शिक्षा की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन कौन से हैं औपनिवेशिक शिक्षा? बुद्धिजीवी वर्ग को शामिल करना, सामाजिक आर्थिक विकास पर कोई भरोसा नहीं, पोताशय नगरों पर केंद्रित मशीनरियों के माध्यम से, ये तीन सही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59, उसे देखते हैं हम लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में भारत की प्राचीन विधाओं तथा साहित्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। बेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राजाओं को निशस्त्र कर दिया। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। तो यहाँ पर कौन कौन सी कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात जाएंगे तो ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? निम्नलिखित फसल पैदावार में बढ़ोतरी, कीटनाशकों के उपयोग में कमी, कृषि लागत में वृद्धि, पोषण युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति, कितने अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की विशेषताओं में शामिल हैं? तो संशोधित फसलों की विशेषताओं के तौर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी, जेनेटिक सही है, कीटनाशकों के उपयोग, कृषि लागत में वृद्धि, ठीक, विशेषताओं में शामिल है कीटनाशकों के उपयोग में कमी, पोषण युक्त खाद्यान्नों की पूर्ति, ये वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक शोषण, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, समकालीन यूरोपीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, इल्बर्ट विल का विवाद। उपरोक्त में से कितने कारक भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायक थे? केवल दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पांच? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये पाँचों ऑप्शन बिल्कुल क्या हैं, सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62, उसे देखते हैं। व्यपकस सिद्धांत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राजाओं के उत्तराधिकारी गोद लेने से पूर्व अंग्रेज अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक था। तो पहला कथन जो है वो सही है, ऐसा किया गया था। संबलपुर सर्वप्रथम ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। सबसे पहले अगर हम विलय के बारे में बात करें तो सबसे पहले मित्रों विलय सतारा हुआ था। कौन हुआ था? सतारा। कब हुआ था? 1848 में। कब हो गया था? 1848 में। फिर बात करें तो जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर 50। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हो, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, प्राथमिक शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी हो। बुड डिस्पैच की सिफारिशों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं?
तो बुड डिस्पैच की सिफारिश की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो सही है, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना हो सही है। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो का माध्यम स्थानीय भाषा हो, ये बात गलत है। ठीक है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात इसमें भी की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। दादा भाई नेहरू जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, आर के कामा, एस बंगाली कितने पारसी समुदाय सुधार के से संस्थापक सदस्य शामिल थे? तो पारसी समुदाय के सुधार के सदस्य कौन कौन शामिल थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पारसी से जो पर्दा प्रथा थी उसमें सुधार की बात की गई। राष्ट्रगोपतार में दादा भाई नेहरू जी ने बात की, ठीक है, फरदोजी ने बात की, एस एम बंगाली ने बात की, ठीक है, आर के कामा ने बात की। तो ये तीनों थे, ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिल्वो पॉस्चर प्रणाली पर वृक्ष चारा और पशुधन की समस्या सामंजस्यपूर्ण रूप से पर की एकीकृत प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पोषक तत्वों का चक्रण, जल भंडारण क्षमता में कमी, प्राकृतिक कार्बन सिंक, जीवों के अनुकूलित वातावरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बात की जाती है सिल्वोस्चर प्रणाली के बारे में विशेषताएं बतानी हैं। तो सिल्वोस्चर प्रणाली की विशेषताओं के तौर पर यदि हम बात करें तो भूखंडों के भीतर पेड़ों के विकास, सिल्वोस्चर प्रणालियों में मृदा घुसपैठ चरगाहों का अधिक, यह प्रणाली अत्यधिक तापमान के हवा का बचाव करती है। तो कितने सही हैं? तीन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए विस्तार था, बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक हैदराबाद और तृतीय कर्नाटक सप्तवर्षीय भारत में विस्तार, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के एक समाज सुधारक संस्था थी, आर समाज ने अंतरजातीय विवाह का विरोध किया, गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन के समर्थन में केरल यात्रा की, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं इसके बारे में बताना है। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना सुधारक संस्था थी, बिल्कुल सही है। आर समाज के बारे में बात करें तो आर समाज ने अंतरजातीय विवाह का विरोध किया, ये बात गलत है, अंतरजातीय विवाह का विरोध नहीं किया था। दूसरा, गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में केरल की यात्रा की, बिल्कुल मोपला विद्रोह इसी से संबंधित था, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 58 के उद्देश्य में शामिल था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार को परित्याग करना था, भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार नियमन करना। यहाँ पर यदि हम बात करें व्यापार नियमन की बात तो नहीं थी, बाकी दोनों बातें थीं। तो ये दोनों सही हैं, तीसरा नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है 69? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत विधवा विवाहों की संख्या में वृद्धि देखी गई। इस अधिनियम द्वारा विधवाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई। इसके तहत विधवा ने अपने मृत पति से प्राप्त किसी भी विरासत को खो दिया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत मृत पति से प्राप्त
इसके तहत विधवा विवाहों की संख्या में वृद्धि देखी गई, बिल्कुल नहीं देखी गई। अधिनियम विधवाओं को विवाह पहले पुरुष के कानूनी सुरक्षा प्रदान की सही है। विधवाओं को मृत पति से प्राप्त किसी भी विरासत को खो दिया, ये भी बात सही है। दो कथन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बाह्य आक्रमण यानी उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ठीक है, के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से ऋण, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों के रूप में धन उधार लिया जाता है। इसका उपयोग व्यवसाय और के विस्तार और संपत्ति संग्रहण में भी किया जा सकता है। इसे केवल भारतीय मुद्रा में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो बाह्य वाणिज्यिक व्यापार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके विपरीत कंपनियों को विदेशी स्रोत बॉन्ड से धन उधार लिया जाता है, सही है। इसका उपयोग व्यवसाय विस्तार संपूर्ति अधिग्रहण में किया जाता है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। केवल भारतीय मुद्रा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी 71। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है मूर्ति पूजा की आलोचना? ईसाई मत को स्वीकृति देना हिंदू धर्म सिद्धांतों को पुनर्व्याख्या रूपी है मानवता की अस्वीकृति। राजा राममोहन राय के विचारों को संबंधित थे, तो राजा राममोहन राय पहले भारतीय राजनीतिक थे जो भारत में साम्राज्यवाद के विरोधी के तौर पर या राष्ट्रवाद के उदय के जनक के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। ठीक, मूर्ति पूजा की आलोचना की थी, बिल्कुल है। ईसाई मत को स्वीकृत नहीं किया था, हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की थी, यूरोपीय मानवतावाद को अस्वीकृति दी थी, यूरोपीय मानवतावाद जो कि दूसरों के शोषण पर आश्रित था, इसकी बात नहीं की थी। दो सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72, इसे देखते हैं। हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना था। हंटर गठन मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना नहीं बल्कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। किसकी समीक्षा? प्राइमरी और माध्यमिक, ठीक है। दूसरा, इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। तो यहाँ पर यदि बात करें, इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया था। इसके सुझावों के बाद ही माध्यमिक कॉलेजों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। समाचार पत्र और संस्थापक द पायनियर दैनिक आज जस्टिस, द पायनियर जॉर्ज एलन के तौर पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। दैनिक आज गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं। तो दैनिक आज के बारे में यदि हम बात करें तो दैनिक आज जो थी बनारस में प्रकाशित होता था और शिव प्रसाद गुप्त जी इसके संपादक थे। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। ये नहीं, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा बाह्य साम्राज्य के संदर्भ में सही है? इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ईश्वर निर्गुण एवं निराकार है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात इस सिद्धांत का वेद त्रुटिहीन नहीं बोला, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा? 75। क्या है 75, देखते हैं। स्कूली शिक्षा एक वर्ष स्कूल में उपस्थित, रसोई गैस, मातृ स्वास्थ्य, शिशु और किशोर मृत्यु दर, उपरोक्त में से कितने मापदंड बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल हैं? स्कूली शिक्षा के वर्ष बहुआयामी गरीबी शामिल हैं, मातृ स्वास्थ्य, स्कूल की उपस्थिति, रसोई गैस, सभी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि एवं सहकारी क्षेत्र में सुधार टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम
विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, कितने लॉर्ड कर्जन के सुधार के तौर पर जाने जाते हैं? तो लॉर्ड कर्जन ने मित्रों कृषि एवं सहकारी, टंकण मुद्रण प्रणाली सबको किया था। अगर हम कर्जन के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1899 से 1905 तक रहा था, ये सारे कार्य उसने किए थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बताई एवं भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। इसने समाचार पत्रों द्वारा न्यायालय में अपील करने का अधिकार समाप्त कर दिया। यह अधिनियम सिर्फ सोम प्रकाश पर ही लागू हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि गला घोंटू प्रेस एक्ट था, ठीक है, तो ये आपका भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं प्रकाशित, ये अंग्रेजी भाषाओं प्रकाशित वालों पर लागू नहीं था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की हड़ताल को तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा मेस द्वारा समर्थन किया। प्रारंभिक उदारवादी और बृहतीय स्वामित्व वाले कारखानों में श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। ये दोनों बातें आगे क्या कह रहे हैं, किस रूप में हैं, ज़रा इसको देखते हैं। तो आगे क्या है, उपरोक्त में से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। भारत में ब्रिटिश राज साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना, व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय उत्पादों को निर्यात करना, ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प बाजार को सीमित करना, कितने ब्रिटिश आर्थिक नीति के उद्देश्य में शामिल थे? तो ब्रिटिश आर्थिक नीति के उद्देश्य के बारे में यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, आर्थिक नीति, भारतीय उत्पादों का निर्यात नहीं, भारतीय हस्तशिल्प बाजार को सीमित, ये सही, व्यापार को बढ़ावा देना, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, भारतीय हस्तशिल्प बाजार को सीमित करना, प्रशासनिक ढांचे में गलत, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पर विचार। इंडोनेशिया, कंबोडिया, भारत, चीन, निम्नलिखित में कितने देश में एकांग गंगा सहयोग पहल से शामिल हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि बात करें मेकांग गंगा के सहयोग से शामिल हैं आपके कौन कौन, तो मेकांग गंगा सहयोग से शामिल भारत और पांच मेकांग देशों को इसमें अध्यक्षता के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है, तो भारत और कंबोडिया यहाँ पर सही होगा। मेकांग गंगा सहयोग के तौर पर 12वीं बैठक हुई थी। परिवहन वियतनाम, लुहानी, कंबोडिया हैं, ठीक है, यहाँ पर पांच हैं, तो ये दोनों यहाँ पर हैं, ये दोनों नहीं हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। 81, ब्रिटिश प्रशासन संचार रचना के विकास का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन का स्थायी बनाना था। 1853 तक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति संचालक मंडल की इच्छा अनुसार होती थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे। कितने कथन सही हैं? यहाँ पर ये सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, मानसूनी वर्षा का अभाव, भू राजस्व की अधिक दरें, रेलवे का विकास, कृषि के प्रति व्यक्ति के उत्पादन में कमी, कितने कारक ब्रिटिश भारत के पड़ने वाले अकालों का उत्तरदायी थे? तो ब्रिटिश के अकालों के उत्तरदायी के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा, भू राजस्व की अधिक दरें, रेलवे का विकास, कृषि प्रति व्यक्ति के उत्पादन, ये नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या है। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अकाल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। सन्यासी विद्रोह बंगाल के बड़े भीषण अकालों की प्रक्रिया थी। बंगाल दुर्भिक्ष आयोग ने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद की गठन की सिफारिश की। स्ट्रेची आयोग सिफारिशों के परिणाम स्वरूप अकाल कोष एवं अकाल संहिता निर्मित की गई। तो यहाँ पर कितने कथन जो हैं वो सही होंगे इस पर विचार करना है। तो मित्रों यहाँ पर ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के समर्थन के लिए धर्म सभा का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने राम के बजाय राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। जयजस भारत सेवक समाज संगठन को स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। इसमें से कितने सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1830 में राधाकांत देव ने की थी धर्म सभा की स्थापना, ठीक है। तो ये कथन और सिद्धांतों ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को उन्होंने अपने समाज के समर्थन में गठन नहीं किया था, ठीक है। दूसरा ज्योतिबा फूले ने राम के बजाय राजा बलि को अपना क्या बनाया था समर्थन, ये बात बिल्कुल सही है। भारत समाज सेवक संघ के बारे में यदि हम बात करें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा, ये सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर क्या है। 85 कास पठार निम्नलिखित संदर्भ विचार कीजिए। इसका निर्माण होलोसिन की प्रारंभिक एवं मध्य में हुआ था। इसका नाम यहाँ की एक नदी के नाम पर रखा गया। यह यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल पश्चिमी घाट का भाग है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। कास पठार के बारे में यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही नहीं हैं। इसका निर्माण होलोसिन बिल्कुल सही है। इसका नाम यहाँ की नदी के नाम पर, ये बात बिल्कुल गलत है। यह यूनेस्को के प्राकृतिक स्थल पश्चिमी घाट का भाग है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 1857 के विद्रोह के बाद क्षेत्रीय आधार पर सेना का गठन किया गया। पुलिस व्यवस्था के विकास में ब्रिटेन अग्रणीय रहा। कॉर्नवालिस कोर्ट शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मैकडोनल्ड आयोग, कैम्बेल आयोग, वेटले आयोग, बेलवी आयोग, उपरोक्त में से कितने आयोग अकाल से संबंधित थे। तो यहाँ से यदि हम बात करें अकाल से संबंधित आयोग कौन से हैं, वेटले आयोग, कैम्बेल आयोग, मैकडोनल्ड 1899 900 के बीच बना था, 1900 के बीच, ठीक है। दूसरे बात करें वेटले आयोग 1929 में बना था, कब बना था, 1929 में। बेलवी आयोग 1936 में बना था, ठीक है। तो कितने आयोग हैं, 3 आयोग। बेलवी आयोग जो है धन निष्कासन से संबंधित था। किससे मित्रों, धन निष्कासन से संबंधित। ये जो है ये यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन जो होगा ये नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। 1833 में गठित मेकाली समिति के उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था। फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय होते थे। कर्जन ने सैन्य सुधार में किचनर टेस्ट को सैनिक परिसरक्षण के रूप में विकसित शामिल किया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी कथन मित्रों यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर क्या है। 89 हमारा ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गोपा, सिपाही, इजहावास, अछूत जाति, मोपला, मुस्लिम पट्टेदार। तो यहाँ पर बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो ये सभी के सभी सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने आंध्र और अंग्रेज में के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया। आदिवासी क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु इन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? इसे देखते हैं 91 को। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 के कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार अधिक संख्या में भारतीयों को अपने ही विदेश के प्रशासन में शामिल करने के लिए ठोस कदम बनाए गए। चुनाव की शुरुआत के लिए कम शिक्षित भारतीयों में भी राजनीतिक चेतना आई। यह सुधार भारतीय राष्ट्रवादियों की शिकायतों एवं वैध मांगों को पूरा करने में सफल रहा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही होंगी, तो यहाँ पर मित्रों आपकी पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात सही है, तीसरी बात नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के शासन, निजी स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, विधियों का संहिताकरण, कितने अंग्रेजों की भारत के उद्देन हैं? केवल एक, केवल दो, तीन और सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी चारों अंग्रेजों की देन हैं, ऑप्शन डी हमारी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के भारत में प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का विस्तार, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में अकाल की बारंबारता में कमी, औद्योगिक क्रांति, सामाजिक शैक्षिक नीतियाँ। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति 13 के ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का विस्तार करना था, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कतई शक नहीं है। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति कारण भारत में अकाल की बारंबारता में कमी आई, ये बिल्कुल गलत है। असामाजिक शैक्षिक नीतियों प्रभावित हुई भारत की सामाजिक और शैक्षिक, कुटीर उद्योगों का पतन, किंतु सूती और वस्त्रों का नहीं, किसी का भी विकास नहीं हुआ। दूसरा सही है, किसी का भी विकास नहीं हुआ था, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। डोमिनियन स्टेट अधिराज्य में कौन सा सही विवरण करता है? क्या है डोमिनियन? शासन व्यवस्था जिसमें औपनिवेशिक शक्ति किसी देश को सुशासन प्रदान करती है। दूसरा, शासन के किसी ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र वायसराय के नाम मात्र का प्रधान होता है। तीसरा, ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें औपनिवेशिक देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन पर अधिकार हो। चौथा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पर सुशासन प्रदान किया जाता है। डोमिनियन स्टेट की बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। ए, डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, अंग्रेजों द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की जा रही थी, जो कि भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर एंड कंपनी ने नहीं माना। अंग्रेज महात्मा गांधी तो तैयार भी हुए थे, लेकिन बाद में वो भी इसके खिलाफ चले गए। तो इसका मेन रीज़न यही था, या समझ जाएं तो ये मातृ देश के प्रति आपके समर्पण था, यानी विदेश नीति आपकी नहीं होती, वो अंग्रेजों की होती। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है 95 पर? देखते हैं अनुभव मंडपम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन कालीन दक्षिण भारतीय संसद थी, यहाँ पर कवि एवं सामाजिक आध्यात्मिक सुधार विचार विमर्श करते थे। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के नाम पर आधारित है। अनुभव मंडपम के बारे में ये जो बातें की गई हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर प्राचीन काल की दक्षिण भारतीय संसद थी, ये बात सही नहीं है। अनुभव मंडपम 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में स्थापित किया गया था। मध्यकालीन में दक्षिण भारत की संसद थी, प्रायः पहली संसद के तौर पर संदर्भित है। आध्यात्मिक सुधार विचार विमर्श ये सही है, प्रगति मैदान में की गई ये भी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें? पढ़िए, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की मांगें स्वीकार करने के लिए किए अवसर देना था।
और अहिंसक आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी बने, नहीं दिल्ली चलो आंदोलन का नाम से जाना जाता है। ये कथन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बंग भाषा प्रकाशक सभा, इंडियन लीग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन, उपरोक्त में से किसकी स्थापना वर्ष में सही कालक्रम में स्थापित कीजिए। तो इनकी स्थापित करना है तो बंग भाषा प्रकाशन सभा बनी थी 1836 में, जमींदारी एसोसिएशन बना था 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में, ठीक है, और ब्रिटिश इंडियन लीग के बारे में बात करें तो इंडियन लीग बनी थी 1875 में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि क्रम रखें तो आपका आएगा पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रदायवाद के विकास को बढ़ावा देता है। किसी धार्मिक संप्रदाय के सभी समुदाय सदस्यों के हित समान होते हैं। किसी धार्मिक संप्रदाय के सदस्यों के हित दूसरे संप्रदाय के सदस्यों से भिन्न होते हैं। किसी धार्मिक संप्रदाय के हित अन्य धार्मिक संप्रदाय के हितों के अंतर्विरोधी होते हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अधीनस्थ परिपार्थक्य की नीति अंतर्गत भारतीय रियासतें अपने बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र थीं, ठीक है। दूसरा, मॉन्टफोर्ट चेम्सफोर्ड के संदर्भ में नरेंद्र मंडल गठन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों में समानता का संघर्ष आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के रूप में प्रारंभ हुआ। उपरोक्त में से कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ये स्वतंत्रता नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कोविड संक्रमण को रोकने में सक्षम प्रतिरक्षी इकाइयों की संख्या में वृद्धि, जीवों में अंतरिम सूक्ष्म तत्वों का अवशोषण, कितने पिकोनिक एसिड यानी स्तनधारी कोशिकाओं द्वारा निर्मित विशेषताओं में शामिल हैं? तो ये तीनों में ये विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो मित्रों, आज जो हमने पेपर सॉल्व किया है वो है संस्कृति आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 16। शेष पेपर भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे मिलेगा। और इसका साथ ही जो करंट अफेयर के प्री कम्स मेंस टॉपिक्स वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके भी आपको हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।